तो गाइस चलो मान लेते हैं कि आप इस समय कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर आप एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हो एंड वहां पर आपको एक अच्छी लड़की पसंद आ जाती है एंड आपकी उस लड़की से डेली बातें होती है एंड आप फाइनली उस लड़की को प्रपोज करने के लिए उसे डेट के लिए इनवाइट करते हो। देखो इनवाइट तो कर लिया पर अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है भाई कि ऐसा कौन सा कपड़ा पहने, ऐसी कौन सी स्टाइलिंग करें जिसकी वजह से वो जो लड़की है वो आपसे इंप्रेस हो जाए एंड वो फाइनली आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए एंड हु नोस कि फिर आप एक रूम में एंड अप करो। सो गाइस टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आउटफिट आइडियाज बताने वाला हूँ जिसकी वजह से वो जो लड़की है वो आपसे 101% इंप्रेस हो जाएगी एंड शी आल्सो कॉम्प्लीमेंट्स यू। सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अविष्कार सिंह परियार एंड यू आर वाचिंग फैशन ऑन नो टिप्स। तो करें फिर शुरुआत, चलिए। एंड देखो आज के इस वीडियो में मैं आपको डेट के हिसाब से आउटफिट आइडियाज बताने वाला हूँ। तो उसमें से जो पहले टाइप की डेट है वो है कॉफी डेट। तो अगर आप एक कॉफी डेट पे जा रहे हो देन ऑलवेज गो फॉर अ डेनिम शर्ट एंड उसके साथ आपको खाकी कलर के चीनोस को पेयर अप करना है एंड अगर फुटवेयर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको क्लीन एंड पेयर ऑफ व्हाइट स्नीकर्स को ही पहनना है जो कि बिल्कुल बेस्ट लगेंगे इस आउटफिट के हिसाब से एंड आपको इस आउटफिट को एक लेदर स्ट्रैप वॉच और एक ग्लासी सनग्लासेस से एक्सरसाइज करना है एंड देन यू आर गुड टू गो बिकॉज ये लुक कंफर्टेबल है, एफर्टलेस है एंड बेस्ट है ऐसी कैजुअल कॉफी डेट्स के लिए। एंड भाई ध्यान रखना कि हमने यही शो करना है कि हमने ज्यादा ट्राई नहीं किया है स्टाइलिश दिखने में, पर हाँ फिर भी हम अच्छे दिख रहे हैं। सेकंड टाइप की डेट आती है आउटडोर एडवेंचर डेट। अब अगर आपकी डेट में कुछ आउटडोर एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है तो आपको एक ऐसे आउटफिट को सिलेक्ट करना होगा जो कि कंफर्टेबल के साथ साथ उसमें सम सॉर्ट ऑफ फंक्शनैलिटी भी हो विदाउट सैक्रिफाइसिंग द स्टाइल। तो उसके लिए आपको लेने होंगे अ पेयर ऑफ वेल फिटेड जीनोस जिसके साथ आपको ब्रीथेबल पोलो शर्ट या टी शर्ट को पहनना है एंड देखो फुटवेयर में आप स्टाइलिश स्नीकर्स को भी कैरी कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो आप बूट्स को भी पहन सकते हो एंड ध्यान रखना कि आपको इस आउटफिट को कूल हैट्स एंड सनग्लासेस से एक्सरसाइज करना है फॉर अ सन प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो फॉर अ Purpose. ये आउटफिट हर चीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे आपको उनके साथ हाइकिंग पर जाना हो या फिर आपको उनके साथ पार्क में जाना हो कैजुअल वॉक के लिए। ऊपर से ये आउटफिट ये शो करते हैं कि आप स्टाइलिश देखने के साथ साथ एडवेंचर पे भी जाने के लिए रेडी हो। अब कुछ बंदे अपनी बंदी को पहले डेट में डिनर डेट पे लेके जाते हैं तो वहाँ तुम कंफ्यूज हो भाई आखिर क्या पहनना है। देखो अगर बात करें डिनर डेट की तो आपको एक स्टेप अप करना होगा स्टाइल के गेम में। तो उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको डार्क कलर के चीनोस को पहनना है जैसे कि ब्लैक नेवी ग्रे विद अ क्लासिक बटन डाउन शर्ट एंड अगर फुटवेयर की बात की जाए तो इसके साथ आपको हमेशा लोफर्स एंड ड्रेस शूज को ही पहनना है एंड अगर इसके साथ आप अपने आउटफिट को अपने स्टाइल को थोड़ा सा एलिवेट करना चाहते हो तो इसके साथ आप एक ब्लेजर को भी ऐड ऑन कर सकते हो। भाई ये लुक ना सोफिस्टिकेटेड के साथ साथ ना अप्रोचेबल भी है एट द सेम टाइम एंड ये आपकी सामने वाली लड़की को ये शो करेगा भाई कि आपने आज के ओकेजन के लिए एफर्ट किया है। बट अगर आपकी डेट ज्यादा फॉर्मल हुई तो मतलब जैसे कि आप उन्हें फैंसी डिनर के लिए लेके जा रहे हो या फिर कोई स्पेशल इवेंट, तो उसके लिए सूट से अच्छा ऑप्शन कोई होगा ही नहीं, क्लासिक कलर को ही ऑप्ट करना जैसे कि ब्लैक नेवी ग्रे। पेयर करो इसे क्लासिक ड्रेस शर्ट एंड टाई के साथ एंड मेक श्योर कि आपके जो शूज है वो हमेशा पॉलिश रहने चाहिए। ऐड करो क्लासिक वॉच कफलिंग्स जो आपके आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करे। ब्रो एक वेल फिटेड सूट ना आपके पर्सनैलिटी में एक मेजर डिफरेंस लाता है, ये आपके कॉन्फिडेंस एंड स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है जो कि एक परफेक्ट आउटफिट है फॉर्मल डेट में इंप्रेशन जमाने के लिए। पांचवी टाइप की डेट है मूवी डेट। देखो अगर आप डिनर डेट पे नहीं गए हो आपको ये लग रहा होगा भाई कि यहाँ पे ज्यादा खर्चा आ सकता है तो आपने प्लान किया होगा एक मूवी डेट का, देन इस केस में आउटफिट के मामले में कम्फर्ट इज अ की क्योंकि आप एक जगह पर 2 से 2.5 घंटा बैठने वाले हो तो आप नहीं चाहते कि किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत हो एंड आप अपनी बंदी के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओ। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेट फिट जींस या जॉगर्स को पहनना है जो कि आजकल ट्रेंड में है और काफी कंफर्टेबल होती है एंड उसके साथ एक ओवरसाइज टी शर्ट। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है भाई कि अंदर एसी होगा तो थोड़ी बहुत ठंड लग सकती है तो आप ओवरसाइज टी शर्ट की जगह पर स्वेट शर्ट या हुडी को भी ट्राई कर सकते हो एंड फुटवेयर में आपको कैजुअल स्नीकर्स या चंकी स्नीकर्स भी पहन सकते हो। दैट्स इट। देखो ये लुक काफी रिलैक्स्ड है जिसकी वजह से आप अपनी मूवी को एंजॉय कर पाओगे एंड जिसके साथ आप मूवी डेट पे गए हो वो आपको हर एक इंटरवल के बाद देखेगी और आपको कॉम्प्लीमेंट करेगी और आप लोग फिर मुझे थैंक यू बोलोगे। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की इस वीडियो में काफी मजा आया होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो फटाफट इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना एंड अगर आपको 1000 ऑफ स्टाइल इंस्पिरेशन आउटफिट आइडियाज चाहिए हैं तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा होगा एंड इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। स्टे सेफ स्टे स्टाइलिश।